हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बिल्कुल फिट एंड फाइन होगे, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इतनी लेट वीडियो बनाने के लिए आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं अपने गांव गई हुई थी, इसलिए ये वीडियो ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद आ रहा है। और कम्युनिटी पे जो मैं PYQ पोस्ट करती थी वो भी नहीं किया था, बट अब मैं रेगुलर रहने वाली हूँ। तो अब बात कर लेते हैं फिज़िक्स की। जिन जिन स्टूडेंट्स का फिज़िक्स का बहुत सारा बैकलॉग है, या फिर आपने फिज़िक्स अभी तक स्टार्ट भी नहीं की है, तो वो ट्वेल्थ स्टार्ट कर लो। मतलब कि आपके बैचेस में ट्वेल्थ के चैप्टर्स तो स्टार्ट हो ही गए होंगे, उन्हें स्टार्ट कर लो। बैकलॉग को छोड़ना नहीं है, उसके बारे में भी बता रही हूँ, पर पहले ध्यान से सुनो कि अब क्या करना है। यकीन 2.0 में तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से ही ट्वेल्थ की स्टार्टिंग होती है। आप इन लेक्चर्स को डेली अटेंड करो, ट्वेल्थ लेकर चलो, और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करो। देखो, जब आप लेक्चर लेने के बाद फॉर्मूलेज एंड नोट्स को एक दो बार पढ़ लेते हो ना, तो वो ज़्यादा ईजिली लर्न हो जाता है। और फिज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो है ही इम्पॉर्टेंट, तो पहले उन क्वेश्चंस को अच्छे से करो जो सर ने क्लास में सॉल्व करवाए हैं, और उसके बाद DPP ऑब्वियसली। और इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी मेमोनीट ऐप, जो कि टोटली NCERT बेस्ड है। मुझे ये ऐप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगी। इसमें अराउंड 3000 असर्शन रीजन एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, जो एग्जैक्टली NEET 2022 के पैटर्न पे बेस्ड है। फिज़िक्स में इतने सारे फॉर्मूलेज होते हैं जिन्हें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस ऐप में प्रॉपर फार्मूला सेक्शन अवेलेबल है, जहां आप फॉर्मूलेज याद भी कर सकते हो और फिर रिवाइज फार्मूला सेक्शन में जाकर उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सेम तरह का फार्मूला सेक्शन केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है, एंड नेम्ड रिएक्शंस को लर्न करने के लिए भी इसमें यूनिक फीचर है। बायोलॉजी की NCERT रीड करते हुए उसकी लाइन से हम बोर हो जाते हैं। उसमें इस ऐप में 30,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली NCERT की लाइन से बनाए गए हैं, जो बोरिंग NCERT को चेंज कर देती है अट्रैक्टिव क्वेश्चंस में, क्योंकि इसमें जंबल्ड वर्ड, मैच द टाइप एंड फ्लैश कार्ड टाइप क्वेश्चंस हैं। इस ऐप में 35+ ईयर्स के PYQs भी अवेलेबल है विद वीडियो सॉल्यूशन, एंड फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है। अगर आप यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज या फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, तो आप मेमोनीट टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, जो 100% NCERT बेस्ड है। इतना सब कुछ जब एक ही ऐप में मिल रहा है, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी डाउनलोड करो एंड यूज़ माई कोड ROMA300 टू गेट 300 ऑफ ऑन एनी सब्सक्रिप्शन। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको फिज़िक्स के करेंट लेक्चर्स को कैसे साथ में लेकर चलना है। जो डेली लेक्चर्स आ रहे हैं ट्वेल्थ के, उन्हें करो, और जो आपका बैकलॉग है वो करंट लेक्चर्स के साथ लेने की कोशिश करो। देखो, कुछ स्टूडेंट्स के तो बेसिक्स क्लियर होंगे, जो ड्रॉपर होंगे या फिर जिन्होंने 11th एंड 12th में फिज़िक्स अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो वो समरी लेक्चर्स या फिर वन शॉट से कर सकते हो, जो बैच में भी दिए गए हैं, जैसे यकीन 2.0 में रिविज़न एंड नीट स्प्रिंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। बट जिन स्टूडेंट्स के बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ऑब्वियसली। प्लीज़ आप सब कोई शॉर्टकट मत अपनाना, बिकॉज जब आपसे बाद में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो आपका जितना भी बैकलॉग है, उसे डेली की डेली ट्वेल्थ के साथ करने की कोशिश करो। डेली एक लेक्चर भी एक्स्ट्रा लोगे तो महीने में 4 चैप्टर तो कर ही लोगे, बिकॉज संडे वाले दिन या फिर किसी हॉलीडे वाले दिन आप ज़्यादा लेक्चर्स भी ले सकते हो। बट साथ में नोट्स एंड फॉर्मूलेस लर्न करते रहना, ये मैं बार बार बोलती हूँ कि लेक्चर्स के साथ ही नोट्स एंड फॉर्मूलेस लर्न करो। ये सच में बहुत, मतलब ये प्रॉफिटेबल है, इसलिए फॉलो करो इसे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको आदत बनानी है। जैसे ही आपकी हैबिट हो जाएगी ना सब कुछ साथ करने की, तो ईजी लगने लगेगा सब कुछ, एंड साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहना। आई होप आपने ये स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ लिया होगा एंड ऑल्सो फॉलो भी करोगे। अगर कोई भी डाउट अभी भी आपके मन में बसता है फिज़िक्स के लिए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स के आपकी रिप्लाई देती हूँ।
अगर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी का भी डाउट्स है तो वो भी पूछ सकते हो। और इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो जल्दी से इसे कंप्लीट करवा दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच, बाय। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think